इस प्यार को क्या नाम दूं, 2011 में स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ वो शो था जिसमें काम करने वाली दमदार स्टार कास्ट और शो की इंटरेस्टिंग कहानी ने लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए इतना प्यार पाया कि ये शो घर घर लोकप्रिय हो गया था, जिसके चलते फैंस की डिमांड पर इसका दूसरा और तीसरा सीजन भी लाया गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब इस शो का चौथा पार्ट जल्द आने वाला है, जिसे शो मेकर गुल खान जनता की बढ़ती डिमांड पर लेकर आ रहे हैं। इससे जुड़ी तमाम जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं कि ये शो कब तक टीवी पर ऑन एयर होगा, इसमें अभिनय करने वाले कलाकार कौन कौन से होंगे और इस बार शो की कहानी कैसी होगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सब के बारे में तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। 2011 में गुल खान द्वारा स्टार प्लस पर टेलीकास्ट किया गया शो इस प्यार को क्या नाम तू की कहानी दिल्ली के एक बिजनेस टाइकून अर्णव सिंह रायजादा और लखनऊ की एक मध्यम वर्गीय लड़की खुशी कुमारी गुप्ता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, फिर भी इनकी शादी एक दूसरे से हो जाती है। ऐसे में इन दोनों के बीच आपसी मनमुटाव तो होता ही है, पर दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। बस इनकी यही कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई थी, तभी से लोगों ने इसके सेकंड पार्ट की डिमांड की थी, जो कि 2013 में लाया गया था। देखते ही देखते इसका 2017 में थर्ड पार्ट भी लाया गया, जो कि कुछ समय तक ही चला और फिर ऑफ एयर कर दिया गया था। पर अब 5 साल बाद इसके फोर्थ पार्ट को लाने की गुहार लगाई जा रही है। यहाँ सुनने में आ रहा है कि इस बार शो की कहानी काफी हटके होगी, जिसमें एक से बढ़कर एक ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चौथे सीजन में अर्णव का किरदार निभाने वाले अभिनेता वरुण सोबती का शो में आना तो लगभग पक्का है, जिनसे अभी बातचीत चल रही है। लेकिन खुशी कुमारी गुप्ता बनी एक्ट्रेस सनाया ईरानी का फिलहाल कुछ कन्फर्म नहीं है, जो शो में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। लेकिन अगर बात करें शो के ऑन एयर होने की, तो हम आपको बता दें कि इस फोर्थ पार्ट से जुड़ी अभी कोई कन्फर्मेशन अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ना ही रिलीजिंग डेट पक्की की गई, पर इस सीजन को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं, जो जल्द से जल्द टीवी पर दस्तक दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस नए सीजन को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।